कई लोगों से बातचीत करने के बाद हमने फाइव स्टेप पांच बिंदुओं का हमने प्लान बनाया है कि हम आने वाले दिनों में दिल्ली में कोरोना को कैसे नियंत्रित करेंगे। इसमें ये एक तरह से फाइव टी है, फाइव टी प्लान है। पहला टी है टेस्टिंग। हमने ये देखा कि जिन जिन देशों ने टेस्टिंग नहीं की वो जब कोरोना फैल गया तो उसको कोरोना को नियंत्रित नहीं कर पाए। अगर आप टेस्टिंग ही नहीं करेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहां कहां किस किस घर में कोरोना फैला हुआ है। और अगर आप टेस्टिंग नहीं करेंगे और कोरोना फैलता गया नीचे, एक आदमी दूसरे को, दूसरा तीसरे को, और इस तरह से ये चारों तरफ फैल जाएगा। हम साउथ कोरिया का एग्जाम्पल देखते हैं कि साउथ कोरिया ने किस तरह से बहुत बड़े स्तर के ऊपर टेस्टिंग कर करके उन्होंने एक एक आदमी को आइडेंटिफाई किया कि इसको कोरोना है, इसको इसका इलाज कराओ, इसको कोरोना है, इसको क्वारंटाइन कर दो। उन्होंने एक एक को आइडेंटिफाई किया ताकि वो दूसरे लोगों को संक्रमित ना कर। दूसरा हमारा टी है, दूसरी बिंदु है ट्रेसिंग। हमने पता कर लिया कि ये आदमी कोरोना पॉजिटिव है। अब ये व्यक्ति किस किस से मिला, 14 दिन में किस किस से मिला, उनको सबको आइडेंटिफाई करते हैं। हमारी टीम बहुत एफिशिएंट टीम है, हमारे अफसरों की, डॉक्टर्स की, वो आइडेंटिफाई करती है और उन सब लोगों को सेल्फ क्वारंटाइन में डाल दिया जाता है। उनको कहा जाता है कि आप घर से बाहर नहीं निकलोगे। ये ट्रेसिंग अभी तक दिल्ली के अंदर बहुत अच्छे स्तर के ऊपर चल रही है। अब हमने पुलिस की मदद भी लेनी चालू की है। जो बीमार हो जाता है फिर उसका इलाज कराना है हमें। अभी तक दिल्ली में लगभग 525 टोटल कोरोना के पॉजिटिव केस आए हैं। हमने इस टाइम ऑलरेडी लगभग 3000 बेड्स की क्षमता तैयार कर ली है। LNJP हॉस्पिटल हमने पूरी तरह से कोरोना हॉस्पिटल डिक्लेयर कर दिया। अब वहां पे कोई इलाज नहीं हो रहा है। 1500 बेड वहां पे हैं, वहां पे केवल और केवल कोरोना वालों का इलाज होगा। ये कोरोना को अकेले कोई नहीं ठीक कर सकता। कोई अगर ये सोचे कि मैं अकेला कोरोना को ठीक कर दूं, वो नहीं हो सकता। ये टीम वर्क पे जब तक हम काम नहीं करेंगे टीम की तरह, और मुझे बड़ी खुशी है कि आज सारी सरकारें एक टीम की तरह काम कर रही हैं। राजनीति से ऊपर उठ के सारी सरकारें, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, सारी एजेंसीज सब एक टीम की तरह काम कर रही हैं, और मुझे बहुत खुशी है कि हम सब मिलकर एक टीम की तरह काम कर रहे हैं। इसमें सारी राज्य सरकारों को भी मिलकर काम करना पड़ेगा। अगर हम दिल्ली के लोग यहां बैठ के सोचें कि अपने को दिल्ली दिल्ली का सोचना है, महाराष्ट्र में कोई बीमार पड़ रहा है तो अपने को चिंता करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र में अगर कोई बीमार है और जिस दिन लॉकडाउन खुला और वह दिल्ली आ गया तो फिर अपने दिल्ली में फैल जाएगा। दिल्ली में कोई बीमार है और कल लॉकडाउन खुलेगा वो पश्चिम बंगाल चला गया तो वहां पे फैल जाएगा। तो अपनी सारे सरकारों को और सारे देश के लोगों को एक परिवार की तरह, एकजुट होकर एक टीम की तरह काम करना। और पांचवा टी है ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग। मैंने इतनी सारी बातें तो बोल दी, लेकिन इन सब बातों को मॉनिटर करना, उसको ट्रैक करना कि चीजें सही चल रही हैं, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। दिल्ली के अंदर 24 घंटे मोमेंट टू मोमेंट ट्रैक करना कि जो पूरा हमने प्लान बनाया वो प्लान उसके हिसाब से चल रहा है, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। वो 24 घंटे मैं ट्रैकिंग कर रहा हूँ, मैं मॉनिटर कर रहा हूँ और मैं इसके ऊपर नजर रखूंगा।